नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक संपन्न, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करे राजनीतिक दल। भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े ने निर्वाचन के लिए दिए चाक चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश। रतलाम जिले के राजस्थान से लगे सीमावर्ती चेक पोस्टों का कलेक्टर एवं एसपी ने किया निरीक्षण, सीमावर्ती इलाके में शराब तस्करी पर नियंत्रण तथा मनी फ्लो पर सतत निगरानी के दिए निर्देश। निर्वाचन के संबंध में होशंगाबाद कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय आईटी वर्कशॉप में कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह ने कहा निर्वाचन में आईटी की है महत्वपूर्ण भूमिका। मुरैना जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने कहा ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर के साथ अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट वाले वाहन होंगे जीपीएस से लैस। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 में सी विजिल ऐप पर आम नागरिक भी कर सकेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री वीएल कांता राव ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे लोकसभा निर्वाचन 2019 शांतिपूर्ण, विश्वसनीय और पारदर्शिता के साथ कराया जा सके। श्री राव ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए इस बार मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र रखा जाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने चुनाव प्रचार में इको फ्रेंडली प्रचार सामग्री उपयोग करने का सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है। चुनाव प्रचार के दौरान शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप और 1950 टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कांता राव ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सभी जिलाधिकारियों से जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की सूची 72 घंटे में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव एवं श्री अरुण कुमार तोमर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल एवं श्री अभिजीत अग्रवाल और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत भोपाल संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने सभी निर्वाचन अधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन संबंधित कार्य में लगे नोडल अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, पेपर या अन्य रूप से विरूपण कर कटआउट्स, होर्डिंग, बैनर, बंटिंग, फ्लैग आदि जो शासकीय भवनों से आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद तत्काल हटाया जाए। लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत रतलाम जिले के राजस्थान से लगे सीमावर्ती चेक पोस्टों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को इनका निरीक्षण कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान तथा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी द्वारा किया गया। दोनों अधिकारी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की सीमा से लगे हुए कुंडा तथा अलकाखेड़ा चेक पोस्ट पर पहुंचे। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों ने चेक पोस्टों पर आवश्यक तैयारियों के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि सीसीटीवी लगाने का कार्य तत्काल पूर्ण कर दिया जाए। सीमावर्ती इलाके में शराब तस्करी पर नियंत्रण तथा मनी फ्लो पर सतत निगरानी के निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए गए। इस दौरान एसडीएम श्री रंजीत कुमार तथा सीईओ जनपद पंचायत श्री विजय गुप्ता भी उपस्थित रहे। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के संबंध में जिला स्तरीय आईटी वर्कशॉप का आयोजन कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह ने कहा कि आईटी के निर्वाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न जानकारियों को पोर्टल पर दर्ज करना एवं ईटीपीबीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट का कार्य करने के साथ ही सी विजिल सुविधा, सुगम्य आदि एप्लीकेशन निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया को समझें। निर्वाचन प्रक्रिया में थोड़ी सी गलती भी परेशानी में डाल सकती है। प्रत्येक स्तर पर हमें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करना है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा स्तर पर अधिकारी अपनी टीम गठित कर उन्हें प्रशिक्षित कर लें ताकि ग्राउंड लेवल पर कार्य करने में कोई समस्या न हो।
मुरैना जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर भी होगी। इस बार मतदान के दिन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं सेक्टर अधिकारियों की गाड़ियों में रखी जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जो गूगल के माध्यम से जिला कंट्रोल रूम एवं विधानसभा क्षेत्र के कंट्रोल रूम में देखा जा सकेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने दी। उन्होंने कहा कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया है। रात्रि 10 बजे के पश्चात और सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दलों को नुक्कड़ सभाओं के लिए भी अलग से परमिशन लेना होगी। सभी परमिशन सुविधा ऐप पर ऑनलाइन मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 में भी सी विजिल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे और शिकायत का निराकरण मिनटों में दर्ज किया जाएगा। यह एक एंड्रॉइड आधारित ऐप है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों एवं आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना बिना अपनी पहचान उजागर किए इस ऐप के माध्यम से प्रेषित कर सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।